ओके, इलेवेंथ हिंदी मीडियम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? पूंजीगत और आयगत व्यय देखा था। तो पूंजीगत व्यय के बारे में बताया था, ऐसा कोई भी व्यय, आयगत व्यय का मतलब क्या होता है, ऐसे पहचानने का तरीका बताया था, परिभाषा आप जानिएगा, ठीक है। पहचानने का क्या तरीका बताया था, ऐसा कोई भी व्यय जो साल भर लगातार चलता रहता है उसको अपन कौन सा व्यय बोलते हैं, आयगत कहते हैं, आयगत व्यय कहते हैं। कौन सा व्यय कहेंगे? आयगत। और पूंजीगत व्यय किसको कहते हैं? जो दीर्घकालीन व्यय होता है, जो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में एक बार होता है, 2 साल, 3 साल में एक बार होता है, उसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। या साधारण शब्दों में अगर मैं कहूं तो, अगर आप स्थायी संपत्ति क्रय करते हो, स्थायी संपत्ति क्रय करते हो, जैसे भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी, ये सब अगर क्रय करते हो, तो वो कैसे कैसे व्यय है? पूंजीगत व्यय है। या क्रय करने के समय में, ना क्रय करने के बाद की बात नहीं बोल रहा हूँ, यानी कि क्रय कर लिए उसके बाद फिर मतलब 2-4 महीने बाद खर्चा करो, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्रय करने के समय में जितने जितने भी प्रकार के खर्च करोगे उसको भी अपन कौन से व्यय कहेंगे? पूंजीगत व्यय कहेंगे। आगमगत व्यय की क्या, जर्नल एंट्री जब करते तो आगमगत व्यय के साथ कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, कैसी पंजी प्रविष्टि करेंगे, मतलब बकायदा उसका खाता खुलेगा। जैसे वेतन दिया, वेतन कैसा व्यय है? आगमगत व्यय है, तो वेतन खाता भी खुला रोकड़ खाते से। मजदूरी दोगे कैसा व्यय है? मजदूरी भी लगातार साल भर चलते रहता ना, आगमगत व्यय है, मजदूरी खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से, सही बात है। लेकिन उसी जगह अगर आप भवन खरीदते हो तो भवन खाता विकलन क्या करोगे? रोकड़ खाते से। या मशीन खरीदोगे तो क्या एंट्री करते हो? मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते से करते हो। और मशीन को मान लो वहां से अपने फैक्ट्री तक लेकर आ रहे हो, उस पर भाड़ा दे रहे हो, बोलो उसकी क्या एंट्री बनेगी? मशीन को यहाँ खरीद के यहां तक ला रहे हो, उस पर भाड़ा दे रहे हो, क्या एंट्री बनेगा? मशीन खाता विकलन, क्योंकि कभी भी जो भी पूंजीगत व्यय की कभी भी अलग से पंजी प्रविष्टि नहीं होती, बल्कि उस मशीन के ही मूल्य में ऐड कर दिया जाता है। मतलब ये माना जाता है कि मशीन ही आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। आई बात समझ में? पूंजीगत व्यय, हाँ हाँ, दो सौ, बिल्कुल बिल्कुल वही करेंगे, हाँ डायरेक्ट ऐसी एंट्री होगी। समझ में आ गया बात की नहीं आया? ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखे इससे रिलेटेड। चलो देखो, सबसे पहले मैं बोलता हूँ, नंबर एक, मशीन, मैं बोल रहा हूँ मशीन का क्रय किया, मशीन क्रय किया 10,000 रुपये, उस पर भाड़ा चुकाया 2,000 रुपये, और स्थापना व्यय चुकाया, फैक्ट्री में ला के स्थापना कर रहे हो तो स्थापना व्यय चुकाया 3,000 रुपये, बोलो इसकी क्या एंट्री बनेगी? मशीन खाता विकलन किससे? मशीन क्रय कर रहे हो, सीधा मशीन का क्रय का एंट्री करोगे, मशीन खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। और अमाउंट क्या डालोगे? 15,000 रुपये। समझ आया कि नहीं आया? कैसा वह है? ये पूंजीगत वह है। कितना? 15,000 और कितना? 15,000। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, इसी तरीके से और एक हम कहते हैं, मान लो मैं कहता हूं मोटरसाइकिल का मरम्मत कराया, मोटरसाइकिल का मरम्मत कराया 200 रुपया, बोलो आप लोग क्या बोलते हैं? बोलो ना, आपने क्यों बोला मरम्मत खाता विकल रोकड़ खाते से? हाँ, क्या यहाँ पे ये बोला गया है कि मोटरसाइकिल खरीदा फिर मरम्मत कराया? ऐसा तो नहीं बोला ना, नॉर्मल मरम्मत करा रहे, मतलब मोटरसाइकिल कभी ना कभी खरीदे रहे होंगे, अब उसका मरम्मत करा रहे, फिर वो कैसा व्यय हो जाएगा? आगमगत, क्योंकि मरम्मत हमारा रेगुलर व्यय होता है, हर 2-3 महीने में हमको कराना ही पड़ता है, इसलिए मरम्मत व्यय क्या होगा? आगमगत। इसलिए मरम्मत खाता विकलन क्या करोगे? रोकड़ खाते से। समझ में आया कि नहीं आया? मरम्मत खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। समझ आया? कितना लिखोगे? 200 रुपये और 200 रुपये, ठीक है। अब तीसरा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मोटरसाइकिल क्रय के समय मरम्मत व्यय चुकाया, मोटरसाइकिल क्रय के समय मरम्मत व्यय चुकाया 300 रुपया, बोलो क्या एंट्री बनेगा? क्रय खाता कहाँ से आ जाएगा बॉस? वो तो माल खरीदना हो जाएगा। हाँ, एक ही जन बताएंगे, आप लोग भी बोलिए। समझ में नहीं आया? मैं बोल रहा हूँ मोटरसाइकिल तुमने क्रय किया और उस पर मरम्मत चुकाया, मैंने क्या सिखाया आपको? पहचानना है कि पूंजीगत है कि आगमगत है। अगर पूंजीगत है तो सीधा वस्तु संपत्ति का नाम लिखोगे, वहां व्यय का नाम नहीं आएगा, लेकिन आगमगत कैसे तो सीधा व्यय का खाता खुलेगा।
जैसे अपन वेतन खाता मरम्मत खाता खोलते ना वैसा। अब बताओ आपने मोटरसाइकिल क्या किया, क्रय किया, क्रय किया, उस पर 300 रुपये मरम्मत वे क्या कर रहे हो आप लोग, चुका रहे हो, चुका रहे हो मरम्मत वे। बोलो कैसा वह, बताओ कैसा वह है ये, हाँ कैसा वह है ये, पूंजीगत है कि आगमगत है, आगमगत है। कैसे आगमगत हुआ भाई, मोटरसाइकिल तुम क्रय कर रही हो उस पर मरम्मत चुका रही हो। मैंने क्या सिखाया, मोटरसाइकिल क्या है, संपत्ति है ना, तो जब भी संपत्ति क्रय करोगे वो पूंजीगत है, और क्रय करने के समय में जो भी व्यय करोगे वो भी क्या होती है, पूंजीगत होती है। तो जब पूंजीगत होती है तो फिर वहां पे व्यय का नाम नहीं आता, सीधा संपत्ति का नाम आता। आप ये मानिए संपत्ति खरीदने वाली एंट्री करो, अगर मोटरसाइकिल खरीदती तो क्या एंट्री करती, रोकड़ खाते से, यही करते मोटरसाइकिल खाता भी रोकड़ खाते से, ठीक है यही करते आप। तो यहाँ पे मरम्मत व्यय चुका रहे हो तब भी क्या एंट्री करोगे, खरीदने वाली ही एंट्री करोगे, क्या एंट्री करोगे, मोटरसाइकिल खाता विकलन, मोटरसाइकिल खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। कितना रुपए डालोगे, 300 रुपए रोकड़ खाते से, कितना डाल दोगे, 300 रुपए। आया बात समझ में, क्यों आया, आया ठीक है। मैं बोल रहा हूं नंबर 4 मशीन, मैं बोलता हूं मशीन पर स्थापना वह चुकाए, मशीन पर स्थापना वह चुकाए, मान लीजिए 100 रुपया। बोलो मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते, क्योंकि स्थापना में कब होता है, स्थापना कर रहे हैं, खरीदने के समय तो स्थापना करोगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, स्थापना में मत लिख देना, क्या लिखोगे, रोकड़ खाता, सॉरी क्या, मशीन खाता विकलन, मशीन खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से, मशीन खाता विकलन किससे लिखेंगे, रोकड़ खाते से। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है ओके। अच्छा चलो और एक बोलते हैं, मैं बोलता हूं माल के, माल के क्रय पर भाड़ा चुकाया, माल के क्रय पर भाड़ा चुकाया, बताओ ये कैसा व्यय, आगमगत है कि पूंजीगत है, दिमाग लगाओ कैसे पूंजीगत हुआ। माल क्या तुम साल में कई बार खरीदती हो, मैंने बोला जो दैनिक नियमित व्यय होते हैं वो पहचानने का तरीका देखो ना, ऐसा कोई भी व्यय जो लगातार साल भर चलते रहता है उसको क्या बोलते हैं, आगमगत। सीधा अलग से खाता खुलेगा, सीधा वह का खाता खुलेगा, और जो अपन 2 साल 3 साल 4 साल में एक बार करते हो कैसा वह है, पूंजीगत है। अभी देखो ना तुम लोग क्या कर रहे हो, मशीन खरीद रहे हो उसका भाड़ा चुका रहे हो, तो भैया मशीन क्या हर 2-4 महीने में खरीदते हो क्या, नहीं मशीन तो आप क्या करते हो एक बार खरीदे 2-3-4 साल फुर्सत, तो भाड़ा भी चुकाओगे। अब अगला भाड़ा कब चुकाओगे उस पर, जब नया खरीदोगे। ऐसा होता है क्या, मशीन लगवा लिए फिर बाद में बोलते हर महीने भाड़ा लेके जाना भैया, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो क्या ये पूंजीगत है। अब एक बात बताओ, तुम लोग अकल लगाओ, माल के किराए पर भाड़ा चुका रहे हो, बोलो कैसा वह है, बताओ ये नियमित वह है कि कभी कभार वाला वह है, नियमित वह है तो कौन सा वह हुआ, आगमगत तो एंट्री क्या बनेगा, किराए तो माल खरीदना हो जाएगा गुरु, भाड़ा खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। भाई माल के किराए पर भाड़ा चुका, सीधा भाड़ा का खाता खुलेगा अलग से, भाड़ा का क्या खुलेगा, खाता खुलेगा, भाड़ा खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते। हाँ बिल्कुल, भाड़ा का अलग से खाता खुलेगा, सीधा भाड़ा, भाड़ा खाता विकलन रोकड़ खाते से। समझ में आया, भाड़ा खाता विकलन रोकड़ खाते से, दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। माल के किराए पर भाड़ा चुकाया, सोचो कैसा भाई, अभी माल तो आप हर 2-3 दिन में खरीदते हो, हर 5-6 घंटे में खरीदते हो माल, तो भाड़ा भी क्या कर रहे हो आप, रेगुलर चुका रहे हो, सीधा भाड़ा खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। ज्यादा अच्छा होगा अगर आप इसको लिखे क्रय पर भाड़ा खाता विकलन रोकड़ खाते से, ये क्रय पर भाड़ा खाता विकलन रोकड़ खाते से, तो और अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा अब अगला बोलते हैं, ठीक है, अब नहीं बता पाओगे तो हम कोचिंग से निकाल देंगे तुम लोग को, ठीक। देखो बिल्कुल अन्याय नहीं, न्याय ही न्याय है भैया, ठीक है। अब हम कहते हैं फर्नीचर के क्रय पर भाड़ा चुकाया, फर्नीचर के क्रय पर भाड़ा चुकाया 200 रुपया, फर्नीचर के क्रय पर भाड़ा चुकाया 200 रुपया। अब बोलो एक ऐसा वह है, अब ये जो वह है, हाँ बोलो, पूंजीगत है, एंट्री बोलो, बोलो हाँ गलत है भैया, ये आगमगत पूंजीगत वह है ना, हाँ बोलो, फर्नीचर खाता विकलन किससे, तब इसकी एंट्री बनेगी फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाते से, फर्नीचर खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते
से, समझ आया कि नहीं आया? 200 रुपया और 200 रुपया। मैंने बोला कि पूंजीगत जब व्यय होता है, जब पूंजीगत व्यय होता है तब फिर वहां पे व्यय का नाम नहीं आता, वहां सीधा उस संपत्ति का नाम आएगा जिस संपत्ति को आपने खरीदा है, अगर पूंजीगत व्यय है तो। और पूंजीगत व्यय क्या होता पता है ना? एक बार होता है वो पूंजीगत है, और दो तीन चार साल में क्या होता है? स्थायी संपत्तियों का क्रय होता है, ठीक है। और अगमगत व्यय क्या होता है? जो नियमित रूप से चलते रहता है, हर दो चार दिन में, हर महीने, साल भर लगातार चलते रहता है, कौन सा व्यय? पूंजीगत है। बिजली व्यय चुकाते हो का सब है? सॉरी, अगमगत होता है वो। हाँ, बिजली व्यय चुका रहे हो का सब है? अगमगत है, रेगुलर चुकाओगे। पानी बिल चुका रहे हो? अगमगत। घर खरीद रहे हो? पूंजीगत है। आई बात समझ में? की नहीं आई समझ में? पक्का भूलोगे तो नहीं? पक्का, ठीक है, चलो ठीक है, बच गए, नहीं तो निकाल देते हैं, ठीक है। और एक बोले नंबर 7, चलो हम बताते हैं आपको, एक और बोलते हैं, एक और कहते हैं आप लोगों को, भवन, भवन के क्रय पर रजिस्ट्री शुल्क चुकाया, 10,000 रुपये। बोलो, भवन का क्रय करने से रजिस्ट्री शुल्क चुका रहे हो, बोलो क्या एंट्री बनेगा? भवन खाता विकलन रोकड़ खाते, समझ आया कि नहीं आया? भवन खाता विकलन रोकड़ खाते से, मैक्सिमम बच्चे इसी में गलती करते, समझ में आया? ठीक है, भवन खाता विकलन रोकड़ खाते से। हाँ, बच्चे क्या करते, दिमाग कहाँ जाता है? रजिस्ट्री शुल्क पर जाता है, फट से लिख देते रजिस्ट्री शुल्क खाता विकलन रोकड़ खाते से, यही गलती कर देते। अरे भैया, अगर वो मतलब व्यापार का नॉर्मल शुल्क चुका होगा तो फिर वो रजिस्ट्री शुल्क आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, भवन के क्रय कर रहे हो, भवन का क्रय कैसा है? पूंजीगत। तो उसमें जो भी खर्चा भी खरीदो करोगे खरीदने के समय पे, तो भी क्या कहलाएगा? पूंजीगत कहलाएगा। गाड़ी खरीदते हो ना, मान लो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदे, कैसा व्यय है? पूंजीगत है। अब सेकंड हैंड गाड़ी खरीदे तो रिपेयर तो कराओगे ही कराओगे, कैसा व्यय है? पूंजीगत है। लेकिन गाड़ी चलाने के बाद दो चार महीने बाद मरम्मत करा रहे हो, अब वो कैसा व्यय है? आगमगत। क्योंकि नॉर्मल मरम्मत तो ऑयल ऑयल चेंज कराना, मतलब मेरे मरम्मत का कहने का मतलब यहाँ पे क्या, ऑयल चेंज कराना, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करना, वो होता है मरम्मत। मरम्मत का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस। मरम्मत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस बोलते हैं। मतलब मेंटेनेंस मतलब वो तो रेगुलर आप करते हो, हर दो चार महीने मेंटेनेंस करते हो। अब आपने मान लो गाड़ी लिया, अब देखना गाड़ी को अपन कई बार क्या करते हैं, गाड़ी अपने बिजनेस में मशीनें होती है, उसको चार पाँच साल में एक बार अपन उसको ओवर ऑयलिंग कराते हैं, मतलब एकदम नया बनाते हैं, अच्छा खासा लंबा चौड़ा खर्चा करते हैं उसके ऊपर, वो कैसा वह है? पूंजीगत है। वैसे वो कैसा है? तब भी वहाँ एंट्री बनेगी, गाड़ी खाता विकलन, जो भी गाड़ी का नाम है, मोटरसाइकिल हो या मशीन हो, खाता विकलन रोकड़ खाते से, समझ में आया? और रेगुलर जो करोगे, ऑयल चेंज करना, हवा भरवाना, ये सब कौन सा वह है? आगमगत वह है। वैसी मशीनों के साथ होता है व्यापार में। अब समझ में आया क्या डिफरेंस? ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर और एक आध एग्जाम्पल बताते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आप, जनरली मैं बोलता हूँ, आपने फर्नीचर खरीदा, जब भी मैं फर्नीचर बोलता हूँ, फर्नीचर का मतलब क्या होता है? सोफा सेट, या फिर शॉप में लगा हुआ रेक, या फिर टेबल, या फिर चेयर, यही तो फर्नीचर है। ठीक है, फर्नीचर खरीदते हो क्या एंट्री करते हो? बोलो, अरे सुनाई नहीं दे रहा है। फर्नीचर खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से, ये एंट्री होता है। लेकिन मैं अगर आपको ये कहता हूँ, इधर देखो, अगर मैं ये कहता हूँ, मैं आपको लिखता हूँ कि क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने, प्लाई खरीदा 50,000 रुपया, और भी कुछ विविध और सामग्री खरीदा, उस पर जो भी सामग्री नहीं लगता, फेविकोल, खीला वीला, सब कुछ चीजें वो खरीदा, मान लो 5,000 रुपया। सनमाइका खरीदा, मान लो सनमाइका खरीदा, मान लो 1,000 सनमाइका, महंगा यार, चलो 10,000 रुपये ले लो, ठीक है। इसके बाद फिर आपने मजदूरी दिया, जिसने बनाया होगा बढ़ाई ने उसको मजदूरी दिया, मान लो आपने 5,000 रुपया, ठीक। और मान लो आपने ये सब सामान खरीद के, सामग्री खरीदा, प्लाई खरीदा, सनमाइका खरीदा, और सामग्री वगैरह खरीदा, और सामग्री को लेकर अपने फैक्ट्री लेकर आओगे, अपने घर लेकर आओगे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो उस पर आपने भाड़ा चुकाया मान लो 200 रुपया, ठीक। और इन सब से आपने एक फर्नीचर बनवाया, बोलो क्या एंट्री होगा इसका? अच्छा, और दूसरा और अमाउंट सबको जोड़ना पड़ेगा, वेरी गुड मैडम। ये सब कौन से वह है? वह कौन से पहले बताओ, पूंजीगत है ना, ये सब कैसे वह है? पूंजीगत वह है।
और इसे क्या बना रहे हो फर्नीचर, तो भाई फर्नीचर खरीदते तो खटाक से बोलते हो फर्नीचर खाता लिख लो रोकड़ खाते से। कई बार ऐसा भी होता है हम लोग निर्माण भी करवाते हैं, फर्नीचर बनवाते भी है, तब क्या एंट्री करोगे बोलो? सीधा लिखोगे एंट्री, एक ही एंट्री लिखोगे, इससे क्या बना होगा फर्नीचर ना बना होगा, सीधा लिखोगे फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाते से। ऐसी एंट्री आप अपने बुक के कोने कोने में खोज लीजिए, नहीं मिलने वाली आपको। फर्नीचर खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। अमाउंट कितना डालोगे सबको जोड़ दो, 50, 60, 70, 70,200 अमाउंट कितना जाएगा 70,200 ये एंट्री करोगे। समझ आया कि नहीं आया? समझ में आया? ओके, स्कूल जाना, अपने दोस्तों से पूछना क्या एंट्री होगा। अगर मान लो पंजी प्रविष्टि सीख चुके होंगे, कई लोग सीख चुके होंगे, तो पूछना जाके सी क्या प्रविष्टि होगी। और एक बात करें, चलो और एक बात करते हैं। अब देखते हैं, मैं बोलता हूँ सीमेंट खरीदा, सीमेंट खरीदा मान लो 50,000 रुपये का, रेत रेत खरीदा मान लो रेत या बालू खरीदा मान लो 10,000 रुपये का, ईंट खरीदा मान लो 60,000 रुपये का, ठीक है ओके, और कुछ टाइल्स खरीदा, टाइल्स खरीदा मान लो 50,000 रुपये का, कुछ शुल्क वगैरह चुकाए गवर्नमेंट को मान लो 10,000 रुपये, ठीक, अच्छा भाड़ा भी चुका दिए, चलो भाड़ा चुका दिए 10,000 रुपया, बताओ क्या एंट्री बनेगा, इससे क्या बन रहा होगा? सब सीमेंट रेत से क्या बनता है? भवन बनता है। तो क्या एंट्री बनेगा? भवन खाता विकलन रोकड़ खाते, सीधा सीधा एक एंट्री करोगे, भवन खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। भवन खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। और सीधा अमाउंट को जोड़ देना, सबको जोड़ दो अमाउंट को, 1,00,000 कितना रहा है 70,000, तो अमाउंट में डाल दीजिएगा 1,70,000, 1,70,000। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, इसी प्रकार हम बोलते हैं नंबर 3, भवन क्रय किया, भवन क्रय किया 1,00,000 रुपया, रजिस्ट्री शुल्क चुकाए, रजिस्ट्री शुल्क चुकाए, शुल्क चुकाए मान लीजिए उस पर 10,000 रुपया, दलाली व्यय चुकाए 50,000 रुपया, इतना ज़्यादा नहीं, नहीं। चलो 10,000 दे दो, ठीक है, आई बात समझ में? ओके चलो बताओ क्या एंट्री बनेगा, भवन खाता विकलन रोकड़ खाते से, और सबको जोड़कर क्या कर दोगे, लिख दोगे 1,20,000 रुपये, रोकड़ खाते से कितना 1,20,000 रुपया, ठीक है। वैसी कारखाना वगैरह बनवा रहे होंगे, उस पर शेड लगवा रहे होंगे, सब क्या होगा इसी प्रकार, मशीन वशीन भी कई बार बनवाते हैं अपन लोग, आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो, अब हुआ क्या था मालूम है फर्स्ट ईयर वाले लोग के साथ, बीच में पिछले के पिछले साल क्या हुआ था, ऐसी 5 क्वेश्चन दे दिया था, ऐसी भवन फर्नीचर इसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया था, बड़ा सिंपल लगा देखने में, सब बड़ा खुश हो कि क्या करें, सीमेंट खाता विकलन, बालू खाता विकलन, रोकड़ खाते से लिख के आ गए, बड़ा खुश हो रहे हम सही बनाए। मैं बोला बेवकूफ़ो, तुम लोग के पढ़ाने के बाद भी तुम लोग गलत कर दिए, जबकि ऐसा नहीं था कि इसको नहीं पढ़ाया था, मैं बात को पढ़ाया था, फिर भी जाके क्या करके आए गड़बड़। तो ऐसी गड़बड़ी आप तो नहीं करोगे ना पक्का? क्या होता है, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, ओवर कॉन्फिडेंस बड़ी खराब चीज़ है। कॉमर्स में कॉन्फिडेंस होना बहुत सही बात है, होना चाहिए कॉन्फिडेंस, लेकिन कॉमर्स में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, इस बात का प्रमाण आप भी जान चुके हो। अगर अपन सोच समझ के एंट्री नहीं बोलते तो गलत बोल देते हैं, अगर सोच के बोलते तो एंट्री क्या होता है, सही बोलते। 2 सेकंड सोचो और फिर बोलो। कॉमर्स जब भी आप बनाते हो, अकाउंट्स जब भी बनाओगे, टाइम का परवाह मत करना, तुमको क्वेश्चन पेपर मिला अपने रिदम में बनाओ, आराम से बनाओ, देखना जल्दी बनेगा और सही बनेगा, और जहां हड़बड़ा के बनाओगे पक्का गलत बनेगा, और शायद बनेगा भी नहीं, लेट में बनेगा, टाइम पे नहीं बनेगा, ठीक है। चलो नोट करो, चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया, पूंजीगत आगमगत व्यय, ठीक है। अब देखो व्यय जो होता है ना, समय के आधार पर 2 प्रकार का होता है, सॉरी भुगतान के आधार पर, अब भुगतान के आधार पर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आदत व्यय, मैंने स्टार्टिंग में इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था, बोला था बाद में बताऊंगा, याद है दायित्व संपत्ति में आदत व्यय, और दूसरा क्या होता है पूर्वदत्त व्यय, एक होता है आदत व्यय, दूसरा होता है हमारा कौन सा व्यय, पूर्वदत्त व्यय। यार हम कुछ ज्यादा ही जगह घेर ले रहे हैं, थोड़ा कम करते जरा। व्यय जो होता है भुगतान के आधार पर 2 प्रकार का होता है, सबसे पहला होता है आदत व्यय और दूसरा होता है पूर्वदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय। आदत व्यय का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यय व्यय जो देना बाकी है, जो देना बाकी है, मतलब ऐसा व्यय आपने
काम तो करवा लिया है, सामने वाले से काम तो करवा लिया है, परंतु वह अभी तक दिया नहीं है। इसको बोलते कौन सा वह? आदत वह। कैसा वह बोलते? आदत वह। लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है इसकी। सही डेफिनेशन क्या मालूम है? देखो एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। हम जो भी खाता बनाते हो किसके हिसाब से बनाते? साल के हिसाब से बनाते, वर्ष के हिसाब से। जो भी एंट्री करते किसके हिसाब से करते? वर्ग के हिसाब से, मतलब ईयर के हिसाब से करते, वर्ष के हिसाब से। देखो मान लो हमारे व्यापार में एक कर्मचारी है, ठीक है, और इसको हर महीने हम लोग प्रति माह इसको 1000 रुपए वेतन देते हैं। 1000 क्या देते हैं? वेतन देते हैं हम लोग, ठीक है। तो बोलो साल भर के इसको कायदे से देना कितना चाहिए? हर महीने 1000 देते, साल भर में कितना देना चाहिए? 12000। साल भर का इसका कायदे से वेतन जो बनता है कितना बनता है? 12000, ठीक है। परंतु हमने इसको पेड कितना किया, चुकाया कितना बताऊं? इसको चुकाया मान लो अभी तक कितना चुकाया है? 9000 ही चुकाया है। हर महीने हम 1000 इसको प्रतिमा वेतन देते हैं, कायदे साल भर में 12 देना चाहिए, बट ये साल पूरा बीत गया। साल पूरा क्या हुआ? बीत गया, और हमने इसको अभी तक 9000 ही चुकाया है। कितना नहीं चुकाया? 3000 नहीं चुकाया, देना बाकी है। क्या बोलेंगे इसी को? आदत वह। क्या बोलेंगे? आदत वह। समझ में आया कि नहीं? मतलब इसका क्या होता है? डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मतलब होता है चालू वर्ष का व्यय। चालू वर्ष का व्यय, मतलब व्यय तो चालू वर्ष का है। चालू वर्ष का व्यय जो चालू वर्ष के अंत तक ना चुकाया गया। मतलब चालू वर्ष का वह था 12000, चालू वर्ष के अंत तक, यानी कि मान लो 31 मार्च तक उसको पेमेंट कर देना चाहिए था हम लोग को, लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया। कितना पेमेंट नहीं किया? 3000 आदत कहलाएगा। समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब सुनो, आदत कहलाएगा। हाँ बोलो, क्या बाद में देंगे ना? अगले साल देंगे, अलग बात है, ठीक है, वो जब देंगे तब। अभी तो नहीं दे रहे, अभी अपन को ये सीखना कि आदत है नहीं दी है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कई बार होता है ना अपन लोगों को, अपन स्कूल गई फीस देते हैं, कई बार अपन को इतने दिन तक भुगतान कर देना, 30 तारीख तक भुगतान कर देना, 1 तारीख तक भुगतान कर देना, हम नहीं चुकाते जब तक भुगतान करने का डेट रहेगा। जब तक जैसे बिजली बिल होता है, जब तक भुगतान करने का डेट है तब तक वो आदत नहीं कहलाएगा, लेकिन डेट जैसे ही पार हुआ आपके लिए क्या कहलाएगा? आदत। वैसे व्यापार के क्षेत्र में हमारे लिए भुगतान का डेट क्या होता है? साल का अंत होता है, मतलब साल के अंत तक आपको क्लियर करना है, परंतु आपने अभी तक क्लियर नहीं किया, फिर वो क्या बनेगा? आदत वह। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? अब सवाल उठता है कि ये संपत्ति की दायित्व तो है, मतलब आपको फील क्या आ रहा है? मैंने क्या सिखाया था? अगर आपको प्रेशर फील आ रहा होगा, बोझ बन रहा होगा आपके ऊपर, तो दायित्व तो है। और आपको अगर अधिकार की भावना उत्पन्न हो रही होगी, आपका कद 2-4 इंच क्या हो जा रहा होगा, ऊंचा उठ जा रहा होगा, संपत्ति है। बताओ यहाँ पर क्या फील हो रहा है आपको? दायित्व फील हो रहा है। वेरी गुड। क्या है ये दायित्व? और कैसा दायित्व तो मालूम है? चालू दायित्व। कैसा दायित्व है? चालू दायित्व। जैसे आप चालू, वैसी चालू दायित्व। समझ में आया कि नहीं आया? चालू दायित्व। क्लियर है आप सभी? ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? अगर पंजी प्रविष्टि की बात की जाए तो इसकी पंजी प्रविष्टि क्या बन सकती है? तो इसकी पंजी प्रविष्टि बन सकती है वह हमेशा क्या होता है? विकलन। और दायित्व हमेशा क्या होता है? समाकलन। पढ़ाया था दायित्व का शेष क्या होता है? हमेशा समाकलन होता है दायित्व का शेष। बताया कि बताया था दायित्व का शेष हमेशा समाकलन होता है। तो इसकी एंट्री बनेगी वेतन, तो मतलब जो भी व्यय होगा व्यय खाता विकलन, जो भी व्यय होगा या आगमगत व्यय के लिए, जो भी व्यय होगा व्यय खाता विकलन। ठीक है, व्यय तो हुआ, व्यय खाता विकलन। क्या अभी रोकड़ दिया आपने? नहीं सर, रोकड़ तो नहीं दिया। तो वहां पे आ जाएगा अदत वेतन खाते से। क्या हो जाएगा? अदत व्यय खाते से। क्या बोलेंगे? अदत व्यय खाते से। व्यय जो भी हो, वेतन हो, मजदूरी हो, जो भी हो, कोई भी हो सकता है। वेतन खाता विकलन, अदत वेतन खाते से। ऐसा हो जाएगा, मजदूरी होगा तो मजदूरी खाता विकलन, अदत मजदूरी खाते से। समझ में आया? यहाँ पे क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन में? क्या वहां डायरेक्ट आपको अदत लिख के देगा? नहीं, वहां पे लिखेगा दे लिखा रहेगा। क्या लिखेगा? दे का मतलब मैंने सिखाया था ना, देना बाकी है। दे मतलब क्या होता है? देना बाकी है। दत मतलब क्या होता है? दे दिया। दे का मतलब क्या? देना। तो कहीं भी दे लिखा रहेगा, समझ जाना अभी देना बाकी है। प्राप्त का मतलब क्या होता है? मिल गया, हाँ गया, आ गया पैसा। प्राप्त मतलब क्या होता है? प्राप्त करना बाकी है, अंतर है ना, तो ऐसे लिखे रहेगा। समझ जाना, जैसे बोलेगा ना कोई वह दे है, बोलेगा ना वेतन दे है, समझ जाना क्या है वो? आदत है। फटाक से एंट्री लिख देना, वेतन खाता विकलन आदत वेतन खाते से। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, ओके, कोई परेशानी नहीं है, पक्का? ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। अच्छा, अब बात करते हैं किसका? पूर्वदत्व का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पूर्वदत्व की बात करते हैं। देखो बच्चों, पूर्वदत्व का मतलब क्या होता है? पूर्वदत्व का मतलब होता है अग्रिम व्यय। क्या होता है? अग्रिम व्यय, एडवांस व्यय। एडवांस में चुका देना कोई भी चीज को, क्या करना? एडवांस में चुका देना। कैसे होता है पूर्वदत्व, समझना। देखो मान लो ये हमारे व्यापार वर्कर है, इसको हर महीने कितना देना चाहिए अपन को? 1000 प्रतिमा वेतन देना चाहिए।
पर मंथ इसको 1000 हम लोग वेतन देते हैं, मान लो इसको 1000 वेतन देते हैं, बोलो कायदे साल भर का होता कितना है? 12000। साल भर का 12000 होता है, परंतु हमने इसको ना 15000 चुका दिया। कितना चुका दिया? 15000। बताओ कितना दे दिया एक्स्ट्रा? 3000। मतलब इस साल तक हमको 12 देना था, बट हमने इसको 3000 एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब अगले साल का भी इसी साल दे दिया। बोल सकते हैं अगले साल का भी किस साल दे दिया? इसी साल एडवांस में दे दिया ना, इसको इंग्लिश में प्रीपेड बोलते हैं, पहले से दे देना, काम नहीं कराया पैसा पहले से दे दिया एडवांस, है ना? पूर्वदत्तव्य। क्या बोलेंगे? पूर्वदत्तव्य। पूर्वदत्तव्य समझ में आया? क्या सीखा हम लोगों ने पूर्वदत्तव्य के बारे में? ऐसा वह जो पहले से मिल गया, जो वह पहले से दे दिया, मिला नहीं दिया भाई, वह दिया जाता है, मिलता नहीं वह कभी, आय मिलता है, मिलता आय है, वे देते वह है। ठीक है, अब सुनो क्या कहानी है इसके पीछे। चालू वर्ष, क्या बोलेंगे? आगामी वर्ष का व्यय जो चालू वर्ष में चुकाया गया, चालू वर्ष का व्यय चुकाया गया। आई बात समझ ले? आगामी वर्ष का व्यय जो चालू वर्ष में क्या किया गया? चुकाया गया। अब आप एक बात बताइए, इसमें आपको क्या फील आ रहा है? संपत्ति के दायित्व, क्या फील आ रहा है? संपत्ति फील आ रहा है। कैसा संपत्ति है? चालू संपत्ति। कैसा संपत्ति होता है? चालू संपत्ति। ठीक है, अब इसकी पंजी प्रविष्टि क्या हो सकती है? चालू संपत्ति है। ठीक है, अब इसकी पंजी प्रविष्टि क्या हो सकती है? देखिए, इसकी पंजी प्रविष्टि में थोड़ा विरोधाभास है, लेकिन ध्यान रखना, मैं आपको सारा की बात क्लियर कर देता हूँ। देखो, पंजी प्रविष्टि ये है कि अगर पूर्वदत्तव्य है, अगर आप पहले से पैसा दे रहे हो, रोकड़ आ रहा है कि जा रहा है? रोकड़ जा रहा है, तो एंट्री बनेगा पूर्वदत्तव्य खाता विकलन। एंट्री लिखोगे पूर्वदत्तव्य खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से या फिर व्यय खाते से, ये लिखा जाता है। हाँ, दोनों सही है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कब व्यय लिखे? अब अपन को एग्जैक्टली अगर समझना है, मैं तो बोलता हूँ एग्जाम में आप ये लिख के आ जाए करो। सीधा आप एग्जाम में क्या लिखोगे? सामने वाला चेकर आपको गलत कर ही नहीं सकता। ठीक है, रोकड़ क्या लिखोगे? पूर्वदत्तव्य खाता विकलन होगा, पैसा कॉमन सी बात है, वह दोगे तो सीधा पैसा जाएगा, तो रोकड़ खाता समाकलन होगा, कॉमन सी बात है। तो पूर्वदत्तव्य खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से या फिर वह खाते से। रोकड़ खाते से कब करते मालूम है? अब समझा दे रहे हो कब करते, जनरली जब क्वेश्चन में लिखा रहता है कि दिया, भुगतान किया या दिया, बिल्कुल दिया है तो एग्जैक्टली आप दे रहे हो पूर्वदत्त, तब वहां पे क्या करते हैं अपन, ये लिखते हैं। और यहाँ पे सिर्फ अगर पूर्वदत्त लिख देता, क्वेश्चन में सिर्फ पूर्वदत्त लिखा रहता है, पूर्वदत्त वह ऐसा लिख देता, पूर्वदत्त है बोल देता, फलाना वह पूर्वदत्त है ऐसा बोलता है, तब यहाँ पे वह लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में क्या करोगे? कुछ भी दे पूर्वदत्त के बारे में, अग्रिम चुकाया बोलेगा ना, फटाक से आप क्या कर देना, ऐसे ही लिख देना। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? एंट्री याद रहेगा, भूल जाओगे। ठीक है, इसी प्रकार आय की परिभाषा होती है। आय भी बच्चों दो प्रकार का होता है यहाँ पे। सबसे पहला होता है उपार्जित आय। क्या हुआ? कौन सा आय होता है? उपार्जित आय। भाई बहन है, देखो व्यय और आय, उपार्जित आय। आय की बात चल रही है अब। आय मतलब ऐसा है जो अप्राप्त है, यहाँ पे देना बाकी था, यहाँ पे मिलना बाकी है। ऐसा वह आय, आय जो मिलना बाकी है। कैसा बाकी है? मिलना बाकी है, यानी इस साल का आय है, चालू वर्ष का आय। क्या बोलेंगे? चालू वर्ष का आय जिसको चालू वर्ष के अंत तक मिल जाना चाहिए था, परंतु मिला नहीं है। चालू वर्ष का आय जो चालू वर्ष के अंत तक प्राप्त नहीं हुआ होता है इसका मतलब चालू वर्ष का आय है, परंतु चालू वर्ष बीत गया और अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। 31 मार्च पार हो गया और अभी तक पैसा होता है कई बार, ठीक है, पैसा अभी तक हमको क्या हुआ? नहीं हुआ। यही दुख आपके सारे स्कूल वाले झेल रहे होंगे, ठीक है, नहीं मिला, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चालू वर्ष का है, क्लियर आप सभी को? उपार्जित आय कैसा है? बताओ फील क्या हो रहा है? अभी आपने काम कर दिया है, पैसा नहीं मिला है, गुस्सा आ रहा है, क्या है? संपत्ति है। क्या है ये? चालू संपत्ति। कैसी संपत्ति है? चालू संपत्ति। समझ में आया कि नहीं आया? कैसी संपत्ति है? चालू संपत्ति। इसकी पंजी प्रविष्टि क्या हो सकती है? अगर हम इसकी पंजी प्रविष्टि आपको समझाएं तो बच्चों, इसकी पंजी प्रविष्टि होगी, इसकी पंजी प्रविष्टि हो सकती है उपार्जित आय खाता विकलन। क्या बोलेंगे? उपार्जित आय खाता विकलन किससे? आय खाते से। किससे? क्योंकि पैसा मिला तो है नहीं,
क्या लिखेंगे? आय खाते, क्योंकि पैसा मिलता तो क्या लिखते, रोकड़ खाता विकलन आय खाते से, यही करते ना। अभी पैसा तो मिला नहीं, तो उपार्जित आय खाता विकलन किससे? आय खाते। थोड़ा याद रख लेना, समझ आया कि नहीं आया? आगे समझ में भूलोगे तो नहीं, पक्का एक बार घर में जाकर और एक बार इसको देख लेना, ठीक है? हो गया। इसी प्रकार समझ में आ गया उपार्जित है, उपार्जित मतलब अप्राप्त, ज्यादा अच्छे से होगा कि अप्राप्त आप दिमाग में रखे, अप्राप्त है, ठीक है, ओके। दूसरा होता है अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय का मतलब क्या होता है? मतलब अग्रिम आय, ऐसा आय जो पहले से मिल गया, काम नहीं किया पहले से पैसा मिल गया। अग्रिम आय मतलब पैसा मिलने वाला था अगले साल, आगामी वर्ष का आय है। मिलना अपन को कब चाहिए था? आगामी वर्ष। मिल गया कब? चालू वर्ष में। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी, बोले काम तो करे नहीं हो बेटा, काम तो करना पड़ेगा, है ना, काम तो किए नहीं हो, काम तो करना पड़ेगा, तो बोल सकते इसके बारे में आगामी वर्ष का आय, आगामी वर्ष का आय जो चालू वर्ष में, चालू वर्ष में प्राप्त किया। आगामी वर्ष का प्राय आय तो चालू वर्ष में ही प्राप्त हो गया, मिल गया पहले से, क्या फील आ रहा है बताओ? चालू दाई तो भाई काम, ईमानदारी वाला फील होना चाहिए ना, होशियारी वाला फील नहीं होना चाहिए। अरे ठीक है ना, पैसा तो मिल गया, अब काम कौन करता है, हमको तो संपत्ति फील हो रहा है, ऐसा नहीं भैया, ईमानदारी भाई। सामने वाला पैसा दिया है तो अपने आप प्रेशर आएगा, हम अगर ईमानदार होंगे, नहीं भैया काम सामने वाले करके देना है, सही बात है कि नहीं? पहला काम उसका करो भैया, उसका हटाओ जो पैसा दे दिया, पहले उसका काम करो, ये है, ठीक है? आई बात समझ में? दायित्व है, क्योंकि अपने काम करके देना है। पंजी प्रविष्टि की अगर बात आएगी तो क्या एंट्री करोगे? तो देखो पैसा, या तो देखो इसमें चालू वर्ष में अगर पैसा आएगा तो एंट्री क्या कर सकते हो? रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन बोलो, क्योंकि पैसा आ रहा है ना, यहाँ पैसा आ रहा है, या तो रोकड़ खाता विकलन लिखना, या फिर लिखना आय खाता विकलन। आय खाता विकलन किससे? अनुपार्जित आय खाते से। क्या लिखना? अनुपार्जित आय खाते से। समझ आया कि नहीं आया? एग्जाम में आप दोनों लिख के आओ यार, कंफ्यूजन ही नहीं, समझे? ये वाला एंट्री कब करते मालूम है? ऐसा वाला एंट्री तब करा जाता है, वह तब लिखा जाता है जब अपन ये एंट्री वर्ष के अंत में कर रहे होते हैं, तब ये वाला एंट्री लिखा जाता है, ठीक है? ये वाला लिखा जाता है, और जब नॉर्मल कर रहे तब फिर ये वाला करते हैं, लेकिन वो ये एंट्री मतलब यही रखते हैं, आप यही करिए, क्योंकि कई टीचर्स क्या करते हैं, इसको प्रीफर करते हैं, जबकि ये गलत है। रोकड़ कभी नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे भी रोकड़ अपन को कभी नहीं लिखना चाहिए कायदे से, रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन कई टीचर्स ऐसा प्रेफर करते हैं, वो लोग रोकड़ एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, तो ज़्यादा अच्छा होगा आप दोनों को खुश रखो, ठीक है? रोकड़ भी लिख दो, वह भी लिख दो, वहाँ पर भी रोकड़ या आय लिख दो, सामने वाला कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, समझ आया कि नहीं आया? गलत होने का चांस ही नहीं, क्लियर है, ठीक है? समझ आया कि नहीं आया? तो देखो आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है, कुछ हम आपको होमवर्क वगैरह देंगे, उसको बना कर लाना है, ठीक है? चलो नोट करो और घर जाओ, बाय, वेलकम, बाय सर।